ईडीपी और ईटीपी। ईडीपी और ईटीपी में अपने देखा था कि इसके सिस्टम कौन कौन से होते हैं, तो इसमें अपने पास दो सिस्टम आए थे, एक तो था बैच प्रोसेसिंग सिस्टम और दूसरा था ऑनलाइन रियल टाइम प्रोसेसिंग सिस्टम, जिसमें दोनों के अपने बेनिफिट और ड्रॉबैक्स देख लिए थे। बैच प्रोसेसिंग में अपडेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है और ऑनलाइन रियल टाइम प्रोसेसिंग में जो अपडेशन है वो बहुत फास्टली हो जाती है। इसके बाद अगर अपन देखते हैं ऑडिट ट्रेल इन ईडीपी सिस्टम, ऑडिट ट्रेल इन ईडीपी सिस्टम में क्या होता है, ऑडिट ट्रेल का अपन पहले मतलब समझे यहां पे कि ऑडिट ट्रेल क्या होता है। तो ऑडिट ट्रेल का मतलब होता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन को ट्रैक करना फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड, मतलब एक ट्रांजेक्शन जहां से स्टार्ट हुआ है और जहां पे उसका रिजल्ट आया एंड वहां तक उसकी ट्रैकिंग पूरी हो जानी चाहिए। इसका मतलब है कि उसके बीच में जो भी प्रोसेस हुआ है वो चीज अपन ट्रैक कर सके, उससे अपने को ये पता लग जाएगा कि अगर किसी ट्रांजेक्शन में कोई फॉल हुआ है या कोई उसको डेलिबरेटली कोई एरर या फ्रॉड की उसमें गुंजाइश है तो अपन उसको ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि अपने को उस ट्रांजेक्शन का ऑडिट ट्रेल रहेगी, क्योंकि जहां से वो ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ था और जहां पे जाके वो खत्म हुआ है उन दोनों के बीच के अपने जितने भी प्रोसेस हुए वो सारे अपने नॉलेज में रहेंगे। ऑडिट ट्रेल जनरली ये अवेलेबल नहीं होती है एडीपी एनवायरमेंट में, क्योंकि जो डेटा होता है वो मैन्युअली ना होके वर्चुअली सेव होता है और उसमें कहीं भी कोई अल्टरेशन होता है तो उसका कोई भी अपने पास एविडेंस नहीं रह पाता है। जैसे कि अगर कोई मैन्युअली अपन कोई रिकॉर्ड देखते हैं तो अगर कोई उसमें चेंज करा हुआ होता है तो वो अपने को इजीली विजिबल होता है, या तो वो ओवरराइट करा हुआ होता है या फिर वहां से कुछ ना कुछ उसमें पेपर कटिंग या कुछ भी ऐसा हो रखा होता है, तो वहां से किसी ट्रांजेक्शन को पकड़ना काफी इजी हो जाता है। लेकिन जब ईडीपी की बात होती है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में तो ये चीज अपने को अवेलेबल इजीली नहीं हो पाती है। इसी वजह से इसके जो ईडीपी नहीं होने के फैक्टर्स हैं जो ऑडिट ट्रेल के ईडीपी में वो क्या क्या है, पहला अपन देखते हैं डायरेक्ट डेटा एंट्री टू द सिस्टम। इसमें जो एंट्री होती है वो डायरेक्टली सिस्टम पे हो जाती है, उसका कोई भी मैन्युअली अपने पास रिकॉर्ड नहीं होता जिससे अपन उसको कोरिलेट कर सके। दूसरा आता है डायरेक्ट पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन टू द मास्टर फाइल। जो मास्टर फाइल एक बनी हुई होती है बैच प्रोसेसिंग में मान लीजिए अपने, वो उसमें जो पोस्टिंग होती है वो डायरेक्टली होती है किसी भी ट्रांजेक्शन की, तो उसका अपने पास रिकॉर्ड नहीं रह पाता है कि इसकी जो ट्रेल है वो कहां से स्टार्ट हुई थी, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट था वो क्या था, उसका एंड आउटकम जो आया है या फिर जो रिजल्ट आया है वो इसका क्या रहा है। तीसरा कारण है इसका एलिमिनेशन ऑफ रिपोर्ट्स, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग करी जाती है ईडीपी में वो सिस्टम पे करी जाती है या सॉफ्टवेयर पे करी जाती है, तो इसमें जो रिपोर्ट्स बनती हैं सारी मैन्युअली वो नहीं बनाई जाती, तो उनका एलिमिनेशन हो गया। इस वजह से जो ट्रेल है वो कभी भी कंप्लीट इसके बारे में नहीं हो पाती है। और जो एडीपी का जो ड्रॉबैक माना जाता है वो यही होता है कि इसमें ऑडिट ट्रेल जो है वो करना काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसके भी कुछ अपने पास ऑप्शंस होते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ फंक्शन होते हैं वो अपन यूज कर सकते हैं, तो इसमें ऑडिट ट्रेल होना थोड़ा सा इजी आता है। इसमें सबसे पहले आता है कार्ट CAAT कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक। इसमें यह देखा जाता है कि जो ऑडिट टेक्निक है उनको कंप्यूटर के थ्रू असिस्ट करा जाता है, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर है वो यूज करे जाते हैं जिससे कि जो ऑडिट ट्रेल है वो थोड़ी सी इजी हो जाए। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं इंटरोगेशन फैसिलिटीज जो अपने को प्रोवाइड करते हैं, ऐसे अगर अपन यूज करते हैं तो उनसे ऑडिट ट्रेल जो है वो थोड़ी सी इजी हो जाती है। और एक ऐसा होता है कि अपन कुछ प्रिंट आउट ऐसे ले लें
जिससे अपने वो ट्रांजेक्शन का ये हो जाए कि जो स्टार्टिंग पॉइंट था इसका वो कहां से था और जो एंड रिजल्ट आया वो क्या है। इससे आगे अपन अगले वीडियो में।